हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज सीए निकुंज गोइंका एंड आज आपके साथ मैं एक टैक्स का गेम खेलने वाला हूँ। ये टैक्स का गेम और कुछ नहीं है, एमसीक्यू का गेम है जो हमें हमेशा आपके साथ खेलता हूँ। इस बार मैं आपके साथ कुछ अलग ढंग से एमसीक्यू का गेम खेलूंगा। डेफिनेटली आपको पता है कि एमसीक्यूज कैरीज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट वेटेज इन ऑल द थ्री कोर्सेज, दैट इज सीए, सीएस एंड सीएमए। सीए इंस्टीट्यूट ने तो ऑलरेडी 30% असेसमेंट टैक्स में इसको वेटेज कर ही दिया है। सीएस में तो 100% असेसमेंट एमसीक्यू बेस्ड हो गया है न्यू सिलेबस में, एंड सीएमए में भी 20% असेसमेंट डायरेक्ट टैक्स पेपर में या इनडायरेक्ट टैक्स पेपर में एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक सेट ट्रू और फॉल्स मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आता है गाइज। So you have to admit this fact that objectivity of the paper has increased a lot, and you should self-evaluate yourself along with your preparation time, along with the preparation. जब आप कर रहे हो तो आपको self-evaluate भी करना चाहिए, just to increase your morale, just to self-boost your confidence. So in this video, I'm going to basically discuss 50 questions of direct taxation so that you can understand where are you standing, you can evaluate yourself. This is a game which we'll be playing. मैं एक question पढ़ूंगा, आपको तुरंत अपना answer सोचना है. I'll be also telling the answer, and if you are करेक्ट, इफ योर आंसर इज करेक्ट यू हैव टू गिव योर सेल्फ प्लस वन, इफ योर आंसर इज रॉन्ग यू हैव टू गिव एज यूजुअल, आपको फोर रॉन्ग आंसर्स में नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं माइनस वन, तो 0.25 पर आंसर आपका नेगेटिव होगा अगर आपने आंसर गलत दिया तो, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको जीरो मिलेगा। सो दिस इज लाइक अ गेम विच यू आर प्लेइंग एंड आई होप आप इसे बहुत सीरियसली लेंगे और अपने स्टूडेंट्स के साथ, सॉरी अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको आप शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा अच्छे से बेनिफिट मिल सके। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी टेल यू द सोर्स ऑफ द पेपर इज सी एस एग्जीक्यूटिव टेस्ट पेपर, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपने वेबसाइट में होस्ट किया था। एक टेस्ट पेपर था प्रैक्टिस के लिए, 100 क्वेश्चन जिसमें से 50 था डीटी का, 50 था आईडीटी का। मैं बोर्ड डिस्कस करूंगा आपके साथ, आप आराम से इसे पूरे पढ़ सकते हो लास्ट तक। पहला 50 क्वेश्चन होगा डायरेक्ट टैक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू कैन सी डायरेक्ट टैक्स के लिए 50 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ फॉरेन कंपनी हैविंग एन इनकम बिलो 10 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर 18-19। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पेपर सेट किया गया था AY 1920 के लिए, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स दिसंबर 19 तक एग्जाम दिए हैं गाइज, ये पेपर उनके लिए सेट किया गया था। बट दिस डज नॉट मीन कि जो स्टूडेंट्स जून 20 में एग्जाम दे रहे हैं पेपर वो नहीं देख सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। कल ईयर्स का थोड़ा बहुत चेंज होगा और थोड़ा बहुत प्रोविजंस हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, जो मैं इस वीडियो में आपको लेकर चलूंगा। मैं दिसंबर 19 के स्टूडेंट्स के लिए भी बात करूंगा और मैं जून 20 स्टूडेंट्स के लिए भी बात करूंगा। तो जहाँ जहाँ प्रीवियस ईयर 18-19 रेलिवेंट लिखा हुआ है वो सब दिसंबर 19 में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दिए उनके लिए है, और जहाँ जहाँ 18-19 नहीं है वहाँ ऑटोमेटिकली जितने भी स्टूडेंट्स जून 20 में एग्जाम देंगे वो अपने आप उनके लिए असेसमेंट ईयर 2021 एप्लीकेबल है। सो दे विल ऑटोमेटिकली अज्यूम दैट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 1920। बाद बाकी देयर बी नो चेंज इन द फिगर्स, देयर बी नो चेंज इन द इंफॉर्मेशन अदर देन द प्रीवियस ईयर एंड द असेसमेंट ईयर, दैट्स इट। So the rate of surcharge applicable in case of a foreign company having an income below 10 crores during the year 18-19 या 1920 कुछ भी आप apply कर दो, तो in this case the answer is 2%। अगर आपको याद होगा 10 करोड़ से ज्यादा अगर किसी भी फॉरेन कंपनी का इनकम है तो उसके लिए सरचार्ज हो जाता है 5%, और अगर 10 करोड़ से कम है तो उसका सरचार्ज रेट हो जाता है 2%। नेक्स्ट आता है डिविडेंड ऑफ रुपीज 2 लाख रिसीव्ड इन लंडन फ्रॉम अ यूके बेस्ड कंपनी विल बी टैक्सेबल इन केस ऑफ, यहाँ पे इनकम भी रिसीव हुआ है लंदन में और यूके बेस्ड कंपनी अक्रू भी हो रहा है डिविडेंड इंडिया के बाहर, तो दोनों अगर इंडिया के बाहर है तो ग्लोबल इनकम तो खाली आरओआर ओनली के हाथ में ही टैक्सेबल होता है। द रेट ऑफ टैक्स लेवेबल ऑन एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A विल बी 15%। जैसे आपको पता होगा एसटीसीजी जो अपने शॉर्ट टर्म कैप गेन जिसपे एसटीटी लगता है, ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जिसपे एसटीटी पेड है, इन दैट केस अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है तो वहाँ पे 15% टैक्स लगता है। प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 10 लाख इज अर्न्ड फ्रॉम अ बिजनेस इन यूके विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया। ध्यान से देखना, बिजनेस यूके में हो रहा है बट वो कंट्रोलिंग इंडिया से हुआ है। बिजनेस तो यूके में हुआ ना, बिजनेस इनकम आप यूके में कमाए विच इज आउटसाइड इंडिया, यानी एक्रू हो रहे हैं इंडिया के बाहर, लेकिन हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स आप रिसीव किए इंडिया में, यानी कि 10 लाख में से 5 लाख हैव रिसीव्ड द प्रॉफिट्स इन इंडिया, मीन्स 100% प्रॉफिट इज अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया एंड 50% प्रॉफिट इज अक्रूइंग इन इंडिया। हाउ मच अमाउंट इज टैक्सेबल इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक आर एन ओ आर के लिए गाइज नहीं पूछा, आर एन ओ आर के लिए पूछता तो पूरा 10 लाख टैक्स करते, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए पूछता तो पूरा 10 लाख टैक्स करते, क्योंकि यहाँ पे इनकम एक्रू इंडिया के बाहर हुआ है बट कंट्रोलिंग पावर इंडिया में है,
यहाँ पे आर एन ओ आर ओ आर के हाथ में तो पूरा टैक्स होता, बट वॉट इन केस ऑफ एन आर, एन आर के केस में ओनली इनकम रिसीव इन इंडिया एंड इनकम अक्रूड इन इंडिया इज टैक्सेबल. सो इन दिस केस खाली हाफ ऑफ द प्रॉफिट टैक्स होगा, दैट इज इनकम विच इज रिसीव इन इंडिया. यहाँ पर आंसर आपका जो बैक में दिया वो गलत है, उन्होंने 10 लैक्स माना है, इन्होंने 5 लैक्स नहीं माना, बट कई सही आंसर होगा गाइस 5 लाख रुपीज. नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिबेट अलाउड अंडर 87A ऑफ द इनकम टैक्स इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल. जो रिबेट का सेक्शन है वो खाली रेसिडेंट के लिए अप्लाई होता है, वो नॉन रेसिडेंट के लिए अप्लाई ही नहीं होता. 87A का जो रिबेट है वो खाली रेसिडेंट को मिलता है अगर उनका टोटल इनकम इज नॉट मोर देन 3,50,000, तो उनको मैक्सिमम 2,500 रिबेट मिलता है. ऐसा हम लोग पढ़े थे फॉर एग्जामिनेशन अप टू डिसंबर 19, दैट इज फाइनेंस एक्ट 18. बट फाइनेंस एक्ट 19 जो जून 20 में स्टूडेंट्स देंगे उनके लिए प्रोविजन चेंज हो चुका है. रिबेट कब मिलता है? जब टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लैक्स, 100% ऑफ द टैक्स पेबल और मैक्सिमम 12,500 विच एवर इज लोअर. तो ये दोनों का लिमिट है, बट यहाँ पे हमें इजिली बोले नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो इनकेस एनी वेज इनको कोई रिबेट मिलने वाला नहीं है. इन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इट इंक्लूड्स अ पर्सन, कंस्ट्रक्शन साइट, बिजनेस प्रिजर्व, ऑल ऑफ द अबव. डेफिनेटली परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में सब कुछ कवर हो जाता है, ये हम लोग बिजनेस कनेक्शन में पढ़े थे. नेक्स्ट है मिस्टर सुजीत एजेड 47 ईयर्स, अ डॉक्टर बाई प्रोफेशन बेस्ड एट मुंबई, अर्न एन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ₹34 लाख, ये हो गया उसका PGBP इनकम. इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये हो गया अदर सोर्सेस 2 लाख, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट है 30,000. यानी यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपने ये इनकम देखा तो आपको एक डिडक्शन मिलने वाले एक्स्ट्रा, दैट इज ATTTA. ही डिपॉजिट्स 1,20,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा ATC में. आपको टैक्सेबल इनकम निकालना है दिस असेसमेंट ईयर 18 के लिए या 1920, ये बेसिकली हो जाएगा आपका 1920 या 2021, विच एवर आपके लिए रेलिवेंट है, ठीक है ना. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1920, दिस विल बी फॉर डिसंबर 19 स्टूडेंट्स, और असेसमेंट ईयर 2021, दिस विल बी फॉर जून 20 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर आपका 34 लैक्स प्लस 2 लैक्स, दैट इज 36 लैक्स आप टोटल करेंगे, माइनस आप 1.2 लैक्स का ATC देंगे और आप 10,000 का ATTTA देंगे, विच इज द मैक्सिमम डिडक्शन यू गेट ऑन योर इंटरेस्ट इनकम. तो आपका आंसर आ जाएगा गाइस 34,70,000. द बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट एप्लीकेबल टू अ सुपर सीनियर सिटीजन जो इंडिया का रेसिडेंट है. ध्यान दे, अगर इंडिया का रेसिडेंट नहीं होता तो हायर लिमिट अप्लाई नहीं होता, बट इंडिया का रेसिडेंट है तो उसके ऊपर हायर लिमिट 5 लैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा. इन केस ऑफ एडवांस रूलिंग एन एप्लीकेंट में विद्रॉ एन एप्लीकेशन विद इन दिस फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये थ्योरी क्वेश्चन है एडवांस रूलिंग से, 30 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एप्लीकेशन के अंदर अंदर वो उससे विड्रॉ कर सकता है. मिस्टर नरेंद्र जिनका एज 81 है, यानी सुपर सीनियर सिटीजन है और रेसिडेंट भी है साथ में, यानी इनको हायर एग्जेम्पशन मिलेगा. ये रेंडर की इंडिया में सर्विसेज एंड अर्न अ सैलरी इनकम ऑफ 4,80,000, यानी 5 लाख से कम है, तो इनके हाथ में कोई टैक्स लगने वाला नहीं है. आपसे टैक्स पूछा है तो कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी 0. टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी हैज बीन कंप्यूटेड एट 1,25,794.9, यानी कि आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10. द टोटल इनकम आफ्टर राउंडिंग ऑफ विल बी टेकन एज 1,25,790, क्योंकि 95 से कम है तो आपको लोअर राउंडिंग ऑफ करना, दैट इज 1,25,790. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव सैलरी नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे पूछा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैक्सिमम सैलरी लीव एग्जेम्पशन क्या है. यहाँ पे आपको लीव सैलरी में पढ़ाया गया था, अगर आप लीव सैलरी ड्यूरिंग द ईयर, आई मीन व्हेन यू आर रेंडरिंग द सर्विस देन यू आर रिसीविंग, देन इट इज फुली टैक्सेबल. एल्स आफ्टर रिटायरमेंट अगर आप कर रहे हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के हाथ में, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को हटा के, लोकल अथॉरिटी को हटा के, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई एम्प्लॉय है तो ही फुली एग्जेम्प्ट होगा. बाकी केस में 3 लैक्स मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल सकता है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूछा है तो डेफिनेटली ये आंसर होना चाहिए फुली एग्जाम. बट येस, आपके एग्जाम, आपके जो इंस्टीट्यूट है उसने, उन्होंने टेस्ट पेपर में लास्ट में जो आंसर की में लिखा है वो है ए, इज 3 लैक्स. क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर गणेश इज एम्प्लॉयड इन XYZ प्राइवेट लिमिटेड, रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 36,000 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन तो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है. ही स्पेंड 10,000 ऑन एंटरटेनमेंट अलाउंस, कैलकुलेट द डिडक्शन. तो उन्हें कोई डिडक्शन क्या मिलेगा अंडर सेक्शन 16(2), यानी दैट इज फॉर गवर्नमेंट, दैट इज फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस. द आंसर इज नो, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है. सोहन हैज स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 फॉर 181 डेज, यानी बेसिक कंडीशन 1 फुलफिल नहीं हुआ, एंड ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन 9 out of 10 इमीजिएटली प्रीसीडिंग द करेंट प्रीवियस, मतलब पिछले 10 साल में वो 2 साल भी रेसिडेंट नहीं है. ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 365 डेज इन ऑल द 4 इमीजिएटली प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले 4 साल में वो 365 डेज रहे हैं, एंड 480 डेज रहे हैं इन ऑल द 7 इमीजिएटली प्रीसीडिंग करेंट प्रीवियस ईयर. हिज रेसिडेंशियल स्टेटस आपको निकालना है. तो गाइज, बेसिक कंडीशन 1 तो फॉलो नहीं हुआ, बट बेसिक कंडीशन 2 फुलफिल हो जाएगा.
क्योंकि 60 डेज से ज़्यादा वो करंट ईयर में रहा है, दैट इज़ 181 इज मोर देन 60 डेज, एंड पिछले 4 साल में उन्होंने 365 डेज और मोर रहा है, तो वो रेसिडेंट है, बट ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बिकॉज उन्होंने ये दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं किया. तो करेक्ट आंसर इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेम्प्ट, ध्यान रहे नॉट एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट नहीं है. तो शेयर ऑफ मेंबर ऑफ एचयूएफ ये तो एग्जेम्प्ट है, शेयर ऑफ मेंबर ऑफ पार्टनर फ्रॉम फर्म ये भी ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम फर्म ये भी एग्जेम्प्ट है, बट सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम फर्म ये एग्जेम्प्ट नहीं है. तो ये आंसर भी इन्होंने गलत देके रखा है गाइस, इन्होंने आई थिंक ए या बी में से कोई आंसर देके रखा है. यहाँ पे जो पार्टनर को सैलरी मिले फर्म से, दैट इज रेमुनरेशन रिसीवेबल बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, दैट इज नॉट, दैट इज एग्जेम्प्ट, आई मीन दैट इज नॉट एग्जेम्प्ट, करेक्ट आंसर ये एग्जेम्प्ट नहीं है. तो यही मेरा करेक्ट आंसर है 15 का सी. For the purpose of determining perquisite value for the loan at a concessional rate given to the employee, the lending rate of SBI as on the first day of the relevant previous year for loans exceeding 20,000. So, correct answer is A. 24A का जो deduction है, that is how much? That is 30% of NAV. ये आपका NAV का 30% होता है. Mr. Ravi solved a crossword puzzle and received 1,68,000 after TDS. यहाँ पे 30% TDS होता है under section 194B, ये आपको पता है. His income from crossword puzzle chargeable to tax. जो कौन सा income chargeable होगा? In short, basically आपको back calculation करना है 1,68,000 divided by 70%. 1,68,000 divided by 70%. तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 2,40,000. This is his answer. अगर आप gross up value करके करेंगे तो इसका answer 2,40,000 आएगा. Which of the following is not a revenue receipt? कौन सा revenue receipt नहीं है? मतलब कौन सा capital receipt है? ये पूछना चाह रहे हैं कौन सा capital receipt जो revenue नहीं है. Compensation receipt for the loss of capital asset तो definitely capital receipt है. Compensation receipt for damage or loss of a trading asset. ध्यान से ये trading asset है तो ये revenue receipt है. प्रॉफिट ऑन परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स बाय अ शेयर ब्रोकर ऑन हिज ओन अकाउंट, खुद से वो खरीद रहा है बेच रहा है तो ये भी एक ट्रेडिंग रिसीट है. इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट बिल्डिंग ओन्ड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज, ये भी एक तरह का ट्रेडिंग रिसीट है. तो आंसर विल बी वन ओनली, यही आपका एक कैपिटल रिसीट है. अंडर 54EC कैप गेन्स आर एग्जेम्प्ट इफ इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स इश्यूड बाय एनएचए एंड आरईसीएल और अदर नोटिफाइड बॉन्ड्स विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट. मिस्टर एक्स अ यूके सिटीजन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 13-14, यानी पहले वो इंडिया में कभी नहीं आए थे. ही स्टे इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल दिस 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 आर इज फॉलोज, आपको पता है कि इस साल वो 182 डेज और मोर नहीं है, वो कम से कम 60 डेज और उससे ज़्यादा है. मिस्टर एक्स एक यूके सिटीजन है तो कंडीशन टू अप्लाई होगा. और इस पिछले 4 साल में ही शुड लिव एटलीस्ट फॉर मोर देन और इक्वल टू 365 डेज. तो देखिए 190 250 प्लस 85, ये 365 जितना तो नहीं दिख रहा है मेरे को, तो ये डेफिनेटली नॉन रेसिडेंट होगा, ये रेसिडेंट नहीं होगा, ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है. इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है ये आंसर भी गलत इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे प्रेजेंट किया था. यहाँ पे शायद आंसर इन्होंने कुछ और शायद रेसिडेंट का आंसर दिया था, बट करेक्ट आंसर होगा नॉन रेसिडेंट. 22, दिस इज अ गुड सम गाइज, दिस इज अ गुड क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने सेट किया, एक बेसिकली केस लॉ से सेट किया गया है. राम सक्सीडेड टू द बिजनेस ऑफ हिज फादर रामानुज कंसिक्वेंट अपॉन द डिमाइस ऑफ मिस्टर रामानुज ऑन 1 फरवरी 2018. मतलब राम ने सक्सीड किया बिजनेस जो रामानुज कैरी कर रहे थे. राम रिकवर्ड 60,000 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर विच वॉज रिटन ऑफ बाई लेट रामानुज एज बैड डेट. ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 41(1) बोल के हम लोग एक सेक्शन पढ़े थे कि अगर आपको कोई डिडक्शन रिकवर, मतलब हम लोग बैड डेट रिकवरी में भी पढ़े थे कि अगर बैड डेट हो गई, डिडक्शन अलाउ हो गया किसी को, तो वही अगर रिकवर कर रहा है फ्यूचर सब्सिक्वेंट ईयर्स में तो उसे टैक्सेबल करार दिया जाएगा. लेकिन अगर बैड डेट अलाउ कर रहा है किसी और आदमी को बट रिकवर कर रहा है कोई और, तो जो हाथ में रिकवर हो रहा है उसके हाथ में कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके ऊपर कोई क्लियर लॉ नहीं है बट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. तो इसलिए अगर रामानुज ने राइट ऑफ किया है बट रिकवरी अगर राम कर रहा है तो, और वो अलाउ हो चुका है, तो राम के हाथ में ये टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि इसका अलाउबिलिटी किसको हुआ था, ये रामानुज को हुआ था. तो रामानुज के हाथ में ये टैक्सेबल होगा, राम के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा. नेक्स्ट, अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ आईटैट. अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ आईटैट इज टू बी फाइल्ड विद इन 120 डेज. ये एक थ्योरी क्वेश्चन है कि आईटैट ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर हाई कोर्ट को अपील करना है तो 120 दिन आपको मिलता है, 120 दिन के अंदर आपको अपील फाइल करना पड़ता है. द टर्म कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 217 ऑफ द एक्ट इंक्लूड्स, इंडियन कंपनी भी होगा, बॉडी कॉर्पोरेट भी होगा, इंस्टीट्यूशन भी होगा, बेसिकली सारे ही हो जाएंगे 1, 2, and 3. डिडक्शन अंडर ATC, अ वेरी गुड क्वेश्चन. LIC के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड के रिस्पेक्ट में इज अलाउड टू विच पर्सन, क्या NESSC इंडिविजुअल, इंडिविजुअल HUF की इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट इन इंडिया,
यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंफ्यूज किया, बट ये आपको पता होना चाहिए एटीसी में कहीं नहीं लिखा अबाउट रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, इट इज जस्ट रिटन इंडिविजुअल और एचयूएफ, एनी इंडिविजुअल और एचयूएफ कैन टेक डिडक्शन अंडर एटीसी वेदर ही इज अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट. 26, इनकम फ्रॉम अ माइनर चाइल्ड, इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड इसके लिए ऑफ होना चाहिए, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड फ्रॉम अ फिक्स डिपॉजिट विद अ बैंक. ध्यान से, एक माइनर चाइल्ड को इनकम आया कहां से, फिक्स डिपॉजिट से आया जो वो बैंक में होल्ड करके रखा था. अब ये फिक्स डिपॉजिट कहां से हुआ, इट वॉज मेड आउट ऑफ द इनकम अर्नड फ्रॉम अ स्कॉलरशिप. बहुत ध्यान से, हम लोग ने पढ़ा था एग्जेम्पशंस में कि अगर बेसिकली ऑल इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज टू बी क्लब्ड एक्सेप्ट एमएसडी, मेहनत स्किल एंड डिसेबिलिटी. अगर कोई डिसेबिलिटी है या मेहनत है या स्किल्ड है, खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का टेक्निकल नॉलेज है, इफ ड्यू टू दैट इफ यू आर अर्निंग एनी इनकम दैट इज नॉट टू बी क्लब्ड. ध्यान से, स्कॉलरशिप मैंने कमाया, उससे जो इनकम आया मैंने उसे एफडी की और उस एफडी से मेरे को इनकम आ रहा है. इन शॉर्ट, ये आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि स्कॉलरशिप जैसे जो इनकम कमा है उसको क्लब करना है कि नहीं करना है, बट स्कॉलरशिप से इनकम कमा के आपने उसे बैंक में एफडी किया, एफडी से इनकम कमाया, तो वो इनकम का क्या करना है, क्या वो माइनर चाइल्ड के हाथ में टैक्सेबल होगा, क्या वो क्लब होगा विद द हैंड्स ऑफ द पेरेंट हूज टोटल इनकम बिफोर क्लबिंग इज हायर, एग्जेम्प्ट होगा कि क्लब विद फादर्स इनकम. ऑब्वियसली क्लब होगा उस पेरेंट के हाथ में जिस पेरेंट का टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द माइनर्स इनकम इज हायर, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आई मीन इट विल नॉट बी एग्जेम्प्टेड, व्हाई, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द इनकम आउट ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट एंड नॉट ऑफ द इनकम फ्रॉम द स्कॉलरशिप. श्याम रिसीव कैश गिफ्ट ऑफ 61,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ 55th बर्थडे. बर्थडे में मिला, फ्रेंड से मिला, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई ओकेजन नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो अमाउंट पूरा टैक्सेबल होगा. हम लोग पढ़े थे इनकम फ्रॉम आईफर्स में, अदर सोर्सेज में 56-10 में डिफरेंस टैक्सेबल नहीं होता, पूरा टैक्सेबल होता है. मिस्टर आकाश डिराइव्ड इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी मैनुफैक्चर्ड एंड ग्रोन इन विलेज ऑफ, ये होगा कर्नाटका. हिज इनकम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 1819 फ्रॉम द सेट एक्टिविटीज 40 लाख. तो 40 लाख से इनकम आपको बाइफरकेट करना है 40% और 60% एज यू नो. तो 60% हो गया एग्रीकल्चरल इनकम, 40% हो गया बिजनेस इनकम. आपसे पूछा एग्रीकल्चरल इनकम कितना है, 60%, तो 60% आप टिक कर देंगे, दैट इज 24 लाख. जॉइंट चैरिटेबल ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है 12AA में हैज टोटल इनकम ऑफ 40 लाख. इट अप्लाइड रुपीज 20 लाख टूवर्ड्स इज ऑब्जेक्ट्स, हाउ मच ही इज चार्जेबल टू टैक्स इन केस द ट्रस्ट डज नॉट ऑफर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम. चैरिटेबल ट्रस्ट में गाइस एक टॉपिक है जहाँ पे आपको पढ़ाया गया था कि 40 लाख में 15% को तो आप सेट असाइड कर देंगे, मतलब दैट इज एन एडहॉक डिडक्शन विच यू गेट फ्रॉम योर इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, 15% ऑफ 40 लाख 6 लाख. फिर जितना आपने अप्लाई किया टूवर्ड्स द नोटिफाइड ऑब्जेक्ट्स आपको उतना डिडक्शन मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा. तो 40 - 6 गिव्स यू 34. 34 में से मैंने 20 हटाया क्योंकि मैंने 20 अप्लाई किया था, बैलेंस बच गया 14 लाख. तो 14 लाख मेरा क्या हो जाएगा, चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा. अगर मैंने पूरा अप्लाई कर दिया होता तो पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाता, एग्जेम्प्ट हो जाता. ऐसा हम लोग पढ़े थे सेक्शन 11(2) में. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ बोनस शेयर्स अलॉटेड फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स वुड बी निल, जीरो हो जाएगा. बोनस शेयर्स के केस में कॉस्ट जीरो होता है, लेकिन अगर अलॉट हुआ है 1/4/2001 के पहले तो एफएमवी ले सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट, कौन सा कैपिटल रिसीट है. तो बेसिकली रीइंबर्समेंट ऑफ कैपिटल आउटले इफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, इफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ द आउटले. नंबर बी, कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फॉर द लॉस ऑफ अ कैपिटल एसेट, बोथ 1 और 2 या नन ऑफ द अबव. तो कैपिटल एसेट से जो आपको कॉम्पनसेशन मिला वो भी एक तरह का कैपिटल रिसीट है. आपने कोई कैपिटल आउटले जो इन्वेस्ट किया था वो आपको रीइंबर्स हो रहा है. अगर आपका टोटल अमाउंट आउटफ्लो से ज़्यादा था तो डेफिनेटली आपका वो भी क्या हो जाएगा, एक तरह का कैपिटल रिसीट हो जाएगा. तो बोथ 1 और 2 इज द आंसर. टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ DTAA दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, ये CS एग्जीक्यूटिव का होल सिलेबस में CA स्टूडेंट्स एंड CMA स्टूडेंट्स, आपको इस पर एकदम बिल्कुल देखना नहीं, ये आप इग्नोर कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, बट येस CS एग्जीक्यूटिव जो ओल्ड सिलेबस में था वो एक उनको देखना पड़ेगा. टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ DTAA अगर आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली एक कंट्री में दो, एक आदमी दो कंट्री में एक ही इनकम कमा रहा है जो दोनों कंट्री टैक्स कर रहा है, तभी आपको उसका ट्रीटी का बेनिफिट्स मिलता है. टैक्सेबल इन द फॉरिन कंट्री यू नो, doubly taxable within the country with whom India has TTAA agreement, तब जाके आपको उसका TT benefits मिलता है. Mr. B, a British citizen, came to India for the first time on 16 January 19 for the purpose of employment in India. Determine residential status of B in India during financial year 1819. तो आप समझ गए होंगे, एक British citizen है, वो first time India आ रहे हैं, मतलब condition 2 तो गया. Condition number 1 बोलता है 182 days or more.
182 डेज और मोर है, तो वहां पर तो अपने को ऑलरेडी पता है इन दिस केस वो एक नॉन रेसिडेंट कहला दिया जाएगा, दोनों कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर रहा। बैड डेट्स इज डिडक्टेबल इन द ईयर, ही हम लोग पीजीबीपी सेक्शन 36 में पढ़े थे। बैड डेट कब किस साल डिडक्ट होता है, जिस साल आप उसे बैड डिक्लेयर या राइट ऑफ कर देते हो। व्हेन बैड इज रिटन ऑफ एज बैड, व्हेन डेट वाज इनकर्ड इन टाइम, बट ये सब नहीं, जब आप राइट ऑफ करते हो एज बैड डेट तब वो डिक्लेयर डिक्लेयर डिडक्टेबल होता है। टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू ऑफ ईसॉप अपने सेक्शन 17 में पढ़े थे। ईसॉप का टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, वहाँ पे ग्रांट डेट लेस एफ एम वी ऑन द शेयर्स ऑन ग्रांट डेट नहीं देखते ना वेस्टिंग डेट देखते, बट येस आपको एक्सरसाइज डेट का एफ एम वी लेना पड़ता है माइनस एक्साइज प्राइस रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय। एनी इनकम विच अक्रू और अराइज इन इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, बहुत सिंपल है, अगर इंडिया में अक्रू हो गया तब तो बात ही खत्म, वो तो आर भी देगा, नॉन एन ओ आर भी देगा, एन आर भी देगा, सारे एस एस सीज उस पर टैक्स देंगे। मिस्टर सुमित एजेड 67 ईयर्स अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हैज़ अ टोटल इनकम ऑफ 25 लाख ड्यूरिंग दिस ईयर। एक ध्यान से देखना, एक एन आर है और ये एक सीनियर सिटीजन है, यानी इसका 3 लाख तक का इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन एक एन आर है तो एन आर को हायर एग्जेम्पशन नहीं मिलता, इसका नॉर्मल गाइस 2.5 लाख इनकम ही क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, 3 लाख का एग्जेम्पशन, इसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा बिकॉज इज अ नॉन रेसिडेंट। द इनकम इंक्लूड्स अ फॉरन सोर्स इनकम ऑफ 6 लाख्स फ्रॉम अ कंट्री विथ विच इंडिया इज अ ट्रीटी टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, मतलब इस 25 लाख में इन्होंने बोला 6 लाख इनकम आपका ऐसा है जिसपे जो फॉरन सोर्स इनकम है, और अगर ये फॉरन सोर्स इनकम है एक नॉन रेसिडेंट है तो क्या नॉन रेसिडेंट फॉरन सोर्स इनकम पे इंडिया को टैक्स देगा, ऑब्वियसली द आंसर इज नो, वो फॉरन सोर्स इनकम है वो इंडिया पे टैक्स नहीं लगेगा, वो एनआर है, वो एनआर जो है वो बाहर ही टैक्स देगा, यानी फॉरन कंट्री में टैक्स देगा जो इनकम फॉरन सोर्स से आया है। द टैक्स लेड बाय द फॉरन कंट्री ऑन दैट फॉरन इनकम वॉज 1,50,000, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो फॉरन सोर्स इनकम था फॉरन कंट्री ने ले लिया। अब पूछा क्या है, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सुमित इन इंडिया, आपको बस यही पूछा है कि इंडिया में सुमित का क्या टैक्स लाइबिलिटी, दैट्स वेरी सिंपल, तो 25 लाख में से आपने 6 लाख माइनस किया, बच गया कितना 19 लाख, दैट 19 लाख इज द इनकम विच इज टैक्सेबल इन इंडिया। अब आप 19 लाख पे टैक्स लगा दो, सिंपल है, अप टू 2,50,000। आपको पता है 1,12,500 का कॉन्सेप्ट, 10 लाख तक 1,12,500 मैंने आपको पढ़ाया था, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, 12,500, नेक्स्ट 5 लाख पे 1 लाख, तो 1,12,500 तो यही हो गया, 1,12,500 के बाद आपको 19 लाख माइनस 10 लाख दैट इज 9 लाख के ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना है विच इज 2,70,000, तो 270 में से मैंने 1,12,500 दैट इज 3,92,500 प्लस 4% सेस, तो 392,500 के ऊपर अगर मैं 4% सेस ऐड करता हूँ तो मुझे आता है ये 4,08,200। और मजे की बात ये है कि ये आंसर ये चारों ऑप्शन में ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही रहूँगा, ये आंसर ये ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो दिस इज एन इनवैलिड आंसर, ये आंसर इनको या देना चाहिए, मुझे लग रहा है, मैंने कोई और ढंग से भी आंसर निकालने का कोशिश किया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 3 लाख के बेसिस पे अगर सम करूँ कि अप टू 3 लाख, मान लो कि एक बार के लिए, एक बार मान लो कि इन्होंने नॉन रेसिडेंट को भी 3 लाख का हायर एग्जेम्पशन लिमिट दे दिया, तो मेरा आंसर गाइस आ रहा है, मैं आपको बता दूं कैसे, अप टू 3 लाख में निल है तो नेक्स्ट 2 लाख पे 10,000 होगा, फिर 1 लाख होगा, फिर सेम 2,70,000 होगा, तो 2,70,000 प्लस 1,10,000 गिव्स मी 3,90,000, 2,70,000 मैंने प्लस किया 10,000, फिर मैंने प्लस किया 1 लाख, सॉरी ये होगा 380 में अगर मैं 4% सेस जोड़ू तो मुझे आता है 395,200 विच इज दिस, तो ये आंसर मेरे को लगता है इन्होंने 3 लाख के बेसिस पे किया है, बट एक्चुअल आंसर होना चाहिए 2,50,000 के बेसिस पे, अकॉर्डिंगली आपका आंसर चेंज होगा, बट करेक्ट आंसर ये होगा। प्लीज अगर कोई स्टूडेंट इसे नहीं करके जाता, अब आपको समझ में, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कई कई आंसर्स में मिस्टेक्स है, और कई स्टूडेंट्स अगर मिस्टेक वाला चीज करके चला गया तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, एंड तब तो हम जैसे टीचर्स को तो बहुत खराब लगेगा कि अगर आप अगर गलत चीज पढ़ के जाएंगे तो विल बी वेरी डिफिकल्ट, तब तो एग्जाम में आप डेफिनेटली गलत करके आएंगे। 38 TDS सर्टिफिकेट इशूड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन केस ऑफ सैलरी इनकम, सैलरी केस में सीधा फॉर्म नंबर 16 इशू होता है, अपने को पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन, कौन कौन सा एग्जेम्प्ट है टैक्स में, पेमेंट रिसीव फ्रॉम फैमिली इनकम बाय मेंबर ऑफ एचयूएम सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय अ पार्टनर फ्रॉम फर्म एग्जेम्प्ट है, इनकम बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्ट है, तो सारे के सारे क्या है एग्जेम्प्ट है।
रॉनी इज क्वालिफाइंग एज ROR इन इंडिया ड्यूरिंग दिस ईयर, हैविंग अ टैक्सेबल इनकम ऑफ 1,50,000. ही ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन यूके. ध्यान से, अगर उसका एक फॉरेन में प्रॉपर्टी है, उसका एक फॉरेन एसेट है, तो यू शुड बी नोइंग उसको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना जरूरी है. येस एज ही इज ROR इन इंडिया. नो एज इज ROR इन डूइंग प्रीवियस एंड ही ओन्स हाउस प्रॉपर्टी. येस एंड दैट इज वाई, क्योंकि वो ROR है. आपको पता होना चाहिए रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. अगर वो फॉरेन एसेट ओन करते हो तो उन्हें कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना पड़ता है, इरिस्पेक्टिव द फैक्ट वेदर देर इनकम इज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. 41. मिस्टर रघु एजेड 85 है, टैक्सेबल इनकम है 5 लाख. द टैक्स अमाउंट विल बी निल, क्योंकि ये ROR है इनका. 85 ईयर्स के सुपर सीनियर सिटीजन है, इनका मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख है. 5 लाख तक पे उनको कोई टैक्स नहीं दे. अथॉरिटी ऑफ एडवांस शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स. ये बेसिकली AR रूलिंग से चैप्टर से है, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन का भी है, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन, कंपेलिंग द प्रोडक्शन. सब सब चीज़ का पावर है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास. द आंसर इज डी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एसेसिबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ. असेसमेंट ईयर ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, पर्सन हुज इन टू इलीगल बिजनेस, पर्सन हुज रनिंग अ चैरिटेबल ट्रस्ट. तो बेसिकली जो पर्सन इंडिया छोड़कर जा रहा है, तो वहाँ पे असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि ही कैन असेस द इनकम ऑफ द सेम ईयर इन द सेम ईयर इटसेल्फ. मिस्टर सुरजीत अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया डूइंग द प्रीवियस ईयर पेस कंसल्टेंसी फीस ऑफ 50 लैक्स टू एक्स अ नॉन रेसिडेंट. बहुत ध्यान से, मैंने आपको TDS में कराया था गाइस कि इफ यू आर पेइंग प्रोफेशनल सर्विसेज टू अ रेसिडेंट, तब तो 194J TDS अप्लाई होता है 10% के हिसाब से. और अगर आपने किसी नॉन रेसिडेंट को प्रोफेशनल फीस पे किया, तब आपका कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, दैट इज 195. तो कंसल्टेंसी फीस जो पे हुआ है वो इन कनेक्शन विद द प्रोजेक्ट ऑफिसर इन इंडिया, मतलब वो टैक्सेबल क्या है इंडिया में वो पेमेंट. तो इस अंडर विच सेक्शन सुजीत इज ऑब्लिगेट टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स. तो करेक्ट आंसर है सेक्शन 195. लेकिन अगर यहाँ पे वो रेसिडेंट होता ना, तो करेक्ट आंसर होता 194J. SSC engaged in the business of growing and manufacturing tea, the agricultural income same चीज. अगर tea business में तो 60% of the income हो जाएगा agricultural income. Mr. Chanchal received a gift of 80 from his friend marriage वाले date में. ये अपने को पता है marriage में जो भी मिले, किसी से भी मिले 56-10 में भर भर बोल के क्या होता है, exempt not taxable. 80 quality books आपको पढ़ाया गया था. QQB deals with royalty income of authors. Authors के royalty income के साथ ये deal करता है. ऑथर्स जो भी कमाएगा रॉयल्टी इनकम, वो उसको मैक्सिमम 3 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा. और हम लोग पेटेंट्स अगर आएगा तो वो RRB हो जाएगा. ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट. कहाँ पढ़े थे, वाह वाह क्लबिंग में पढ़े थे. अगर आपने एसेट को ट्रांसफर किए बिना इनकम ट्रांसफर कर दिया, तो एक सेक्शन था 60, वो टैक्स कर देता था इनकम किसके हैंड्स में, ट्रांसफरर के हाथ में ही वो टैक्स कर देता था. नेशनल ट्रेडर्स एक पार्टनरशिप फर्म है, उसने 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस पे किया. जो 190 जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्होंने पे किया विकल्प एंड कंपनी को, जिसपे 194C का TDS कटना चाहिए था. नो TDS फॉर द सेट वॉज मेड फॉर द सेट पेमेंट. अमाउंट लायबल फॉर डिस्लॉन्स अंडर सेक्शन 40I है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए IA है, मैंने आपको दो सेक्शन पढ़ाया था 40I और 40IA. 40IA होता है पेमेंट्स मेड टू नॉन रेसिडेंट, उसमें 100% डिसअलाउ होता है अगर TDS नहीं काटा आपने तो. और 40IA उसमें 30% डिसअलाउ होता है अगर आपने TDS नहीं काटा तो. तो यहाँ पर मैंने पेमेंट, यहाँ पर डिसअलाउ किस सेक्शन में पूछा, IA के बारे में पूछा है. तो 1,60,000 का 30%, दैट इज 48,000 पे आपका डिसलाउंस होगा. अगेन इसमें इंस्टीट्यूट ने कुछ मिस्टेक किया था आई थिंक, उन्होंने 1,60,000 का आंसर दिया जबकि आंसर होगा 48,000. लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट टैक्स में 50. द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर क्लेमिंग द एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37 वाइल कंप्यूटिंग PGBP. एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट बी नेचर ऑफ कैपिटल इनकम, यस. एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट बी पर्सनल, यस. शुड बी इंकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पस, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सो विद दिस वी फिनिश आवर कंप्लीट डिस्कशन ऑफ द मॉक टेस्ट पेपर गिवन बाय CS इंस्टीट्यूट. 50 क्वेश्चन मैंने DDT का डिस्कस किया. वेरी सून नेक्स्ट वीडियो में मैं IDT का भी डिस्कस करूंगा. तो आप प्लीज़ अपने आप को मार्क करिए और देखिए, सेल्फ टेस्ट करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कितना मार्क्स मिला आउट ऑफ 50. गाइज प्लीज़ बी वेरी ऑनेस्ट एंड टेस्ट योर सेल्फ. इसी तरीके से हम MCQ का सीरीज जारी रखेंगे और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा. जस्ट गिव बी वेरी कॉन्फिडेंट विद वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट डोंट पैनिक. अगर पैनिक करेंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत का बात हो जाएगा. थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू.